नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के उत्सव राजविलास में। यहां पर जिस तरीके का माहौल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वैक्सीनेशन का काम है, आज ही से शहर अनलॉक हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पिछले एक महीने से जिस तरीके से आपने निभाई है, उस दौरान उनको किस क्या दिक्कतें थी और अब आगे आने वाले में क्या प्लानिंग है, पहले क्या दिक्कतें थी और आपकी क्या अब प्लानिंग है? दिक्कतें हैं क्या है, पहले ऐसा था कि एक तरफा कार्यक्रम था पुलिस का और प्रशासन का, और हमारा विज़न क्लियर था कि हमको लोगों को घर से आने से रोकना है। सारी दुकानें बंद हैं, सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, सब कुछ बंद था, तो मुश्किलें उतनी नहीं थी, पुलिस का पूरा विज़न क्लियर था। आज अब लोग बाहर आएंगे, अधिकतर लोग बाहर आ रहे हैं, ऐसे में मास्क, सैनिटाइज़र, लोगों का डिस्टेंसिंग, ये मुख्य चुनौतियां हैं। इनको लोगों को खुद से पालन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती साबित होगी। खुद से पालन करना पड़ेगा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। क्या है चुनौती, कैसे निपटेंगे प्रशासनिक, क्योंकि आप ही पूरे शहर में इस समय आप ही के अलावा बहुत कम लोग दिख रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन होने पर हमारे पास चुनौती सिर्फ इतनी थी कि हम लोगों को घरों को में रखना था, और जिनके पास भी कैजुअलिटी या इमरजेंसी थी सिर्फ वही लोग बाहर आ सकते थे। क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने वीकली अनलॉक का प्रोसेस अपनाया है फर्स्ट फेज़ में। तो सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि हम लोगों को जो व्यापारीगण हैं, एक्चुअल में जो फ्रंट लाइन हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रहे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन कराना हमारे लिए चुनौती थी। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर उत्सव राजविलास मैरिज गार्डन में, जो कि मार्केट के बीचों बीच है, और हमारा सिल्पी प्लाजा मार्केट जो है वो डेंस रहता है, पॉपुलेटेड रहता है वहाँ पर, उसी के तहत हम लोगों ने व्यापारियों और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया हुआ है। ये वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर हो रहा है, प्रशासन के पास दोहरी चुनौती। मेरा एक आपसे एक सवाल और भी है, जिस तरीके से अभी आपने कहा दोहरी चुनौती, लोगों को घर के अंदर भी रखना है, बाहर निकलने देना है पूरी तरीके से सावधानी बरतने के साथ, तो क्या आपको लगता है तीसरी लहर को आने से आप रीवा में रोक सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो एक साइंटिफिक क्वेश्चन है और इसका अभी कुछ भी कहना इस पर जो है बुद्धिमत्ता नहीं होगी, पर किसी भी लहर को हम रोक सकते हैं केवल अपनी सावधानी से, समझदारी से। इतना सा पालन करना है कि अगर वाकई हमको बहुत ही इमरजेंसी, आज भी जरूर बाहर खुला हुआ है सब कुछ, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम बाहर ना निकलें, और घर में सुरक्षित रहकर हम अपने और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मूल मंत्र नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, यही इसका मूल मंत्र है। घर पर रहें, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।